स्टार्ट करिए ना, दीजिए ना किसी को, वही थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा पूरा न राहुल जी हैं, राहुल जी सर ले रहे सर। आज सबसे पहले दिनेश द्विवेदी साहब ने फिर से अपने कुछ एक जजमेंट कोर्ट कराए, जजेस को उसको दिखाया और बताया कि साहब ये और कुछ जजमेंट्स हम कोर्ट करना चाहते हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक उन्होंने कुछ एक जजमेंट्स कोर्ट कराए और दिखाया जजेस को। वो भी यही था कि ये सरकार की डिस्क्रिशन है और वो अगर उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो वो इस तरह के प्रोविजंस बना सकती है। इसके बाद राकेश द्विवेदी साहब आए, राकेश द्विवेदी साहब ने काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट किया, अभी लंच तक उन्होंने ही आर्ग्यूमेंट किया है। और उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को कंप्लायंस करने के लिए और 19वें जजमेंट जो 1993 में आया था जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ये कहा गया था, तो उसके कंप्लायंस के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके अलावा कि हम हर एक एक विद्यालय में टीचर्स को अपॉइंट करें। लेकिन उसके लिए बजट की प्रॉब्लम होने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, इसीलिए हमने इनके लिए डिफरेंट रूल्स बनाए। तो ये जो डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं इसका हमारे पास अधिकार है, और या तो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट उन्नी कृष्णा जजमेंट में कह चुका है, या तो उसका कंप्लायंस ना हो पाता, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी बाद में प्रोविजन 2009 में आकर के कह दिया गया कि हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो या तो हम उसका कंप्लायंस ना कर पाए एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, या अगर हम उसका कंप्लायंस करना चाहते हैं तो हमें मजबूरी में हमको फाइनेंस भी देखना है। ऐसा नहीं कि फाइनेंस भी एक इंटीग्रल पार्ट है, अगर हम टीचर के अपॉइंट करेंगे तो बिना पैसों के तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है पैसों का, और उस लिमिटेड रिसोर्स के आधार पे हमें बहुत सारे बच्चों को एजुकेट करना है, जिसके लिए हमारे पास इतना फंड अभी नहीं है और ना ही रातों रात हम ओवरनाइट इतना पैसा हम जनरेट नहीं कर सकते जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है। तो इसलिए ये एज पर लॉ कानूनी तौर पर भी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो हमने, इसीलिए हमको डिफरेंट रूल्स के साथ आना पड़ा, 2006 रूल आए या फिर 2012 रूल्स आए, जो भी आए, इसीलिए हमको मजबूरी में ये लेकर के आना पड़ा, और जो पहले जो रेगुलर कार्डर था उसको हमको डाइंग कार्डर उसको डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उन्नी कृष्णा जजमेंट 1993 का कंप्लायंस कर सकें, या फिर बाद में आकर के राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है इसका हम कंप्लायंस कर सकें। तो इस पर फिर कोर्ट आई कि आप ये बताइए जो मॉडल रूल्स हैं उसके रूल 18(3) पर कि आप ये बात करते हैं, आप एक तरफ मॉडल रूल्स बनाते हैं उसमें ये कहते हैं कि इक्वल पे होगी, इक्वल ड्यूटी होगी और इक्वल क्वालिफिकेशन की आप बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप जहाँ वहाँ पर भी सैलरी की बात इक्वल कही गई है सिमिलर पे स्केल रूल मॉडल रूल्स में जो खुद का इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसको बिहार गवर्नमेंट ने भी उसको अपने में इनकॉर्पोरेट किया है कहीं ना कहीं, तो कोर्ट ने वो चीज़ पकड़ी। फिर भी बार बार वो उसी बात पर आते रहे कि साहब ये फंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास भी होनी चाहिए, अदरवाइज हमको सारे के सारे स्कूल्स बंद करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो रातों रात हम इतना ज़्यादा फंड जनरेट नहीं कर सकते। आज टोटल यही जिस्ट है पूरे आर्ग्यूमेंट। सर क्या इसमें कोई शिक्षक संघ के वकील भी बोले थे क्या? शिक्षक संघ के वकीलों में मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन धवन साहब एक बार उठ के बोले थे वो डाइंग कार्डर नहीं है, दीज ऑल आर लिविंग कार्डर, ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, तो जितने भी टीचर्स हैं वो लिविंग हैं, डाइट कोई नहीं, इन अ लाइटर मूड, सिर्फ एक ही धवन साहब बोले थे और एक बार सीए सुंदरम साहब उठे थे बस। और अपने तरफ के वकील साहब कहीं? अपने तरफ मैम आई थी लेकिन वो चूंकि उधर ही आर्ग्यूमेंट चल रहा था इसलिए अभी कोई बोलने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक ठीक। और आज कब पूरी हो गई? बाकी कल से कंटिन्यू। अच्छा कल पूरे डे चलेगा? अब देखते हैं, पहले जो नॉर्मल रेगुलर लिस्ट मिसलेनियस लिस्ट है पहले वो टेकअप होंगे, उसके बाद ही सरकारी वकीलों का वक्तव्य खत्म हो गया कि उन पर अभी नहीं। इसके बाद अभी जहां तक मेरी नॉलेज है अभी श्याम दीवान साहब रह गए हैं और उसके बाद शायद मुकुल रोहतगी साहब भी आए और लास्ट में शायद के वेणुगोपाल साहब भी आए। आज रोहतगी साहब अभी आज भी नहीं बोले? आज भी नहीं, अभी उनका नंबर नहीं। सर इसमें क्या पंचायती राज के बारे में भी कुछ बोला गया है? अब पंचायती राज एक्ट वही उनका कहना है ये कि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो सब लोकल बॉडीज़ के द्वारा हुआ है, हम इनको हम इनके एम्प्लॉयर नहीं है,
हम जिनके एम्प्लॉयर थे उनको आज भी हम पैसा दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जिनकी एम्प्लॉयर, वो डाइंग कार्डर डिक्लेयर हो गया है, तो जिनको जो हमारे एम्प्लॉय थे उनको हम आज भी दे रहे हैं। हम उनके लिए मना नहीं किए, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय ही नहीं है हम उनको कैसे दे दें इतना पैसा। वो बार बार वही कह रहे हैं, ये तो पंचायत राज एक्ट के तहत ये जो लोकल बॉडीज हैं उनके डाइंग कार्डर ये है, जो कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो अभी वहाँ डिस्कशन जो चल रहा है वो डाइंग कार्डर आया है। एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात उठा दी थी, ठीक है, डाइंग कार्डर है ऐसा कुछ। अब पता नहीं स्टेट डाइंग कार्डर मतलब वो कार्डर जो कि अब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अब रहे, अब अस्तित्व में ही नहीं है, उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। यानी रेगुलर कार्डर को हम ख़त्म कर चुके हैं, अब रेगुलर अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकते, ये मतलब है। अब रेगुलर को ख़त्म करके वो नियोजित रूल्स लेकर के आए, झूठ फूट बोल कर ये है। तो सर इसमें तो एक ये है ना कि 34,540 का जो बैच है वो उनका कहना ये है कि वो हमें मजबूरी में करना पड़ा, नहीं तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होती। वो 2003 की भर्ती थी जहाँ तक मुझे पता है, 2004 में SLP आई, 2004 में SLP आने के बाद एक्चुअली इन्होंने 2006 रूल्स उन्हीं के लिए फ्रेम किया था कि साहब इनको हम नियोजित शिक्षक बना देंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन वो बच्चे फिर कोर्ट आए तो कोर्ट ने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, चूंकि वो रेगुलर वैकेंसीज थी 2003 की, आपको रेगुलर ही अपॉइंटमेंट इनको देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने चालाकी से उसको स्पेशल टीचर नाम दे दिया और उस आदेश का कंप्लायंस किया, नहीं तो कंटेम्प्ट होता, गवर्नमेंट के अधिकारी जेल जाते। तो आज की पूरी कार्रवाई को आप लोगों ने सुना है, और जिस तरह से आज पूरी कार्रवाई हुई है ये कोई अलग से कुछ भी नहीं है, जो हाई कोर्ट में जो सरकार का तर्क रहा है उसी तर्क का पुनरावृत्ति है यहाँ पर। और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी भी सरकार पूरी तरह से बहानाबाजी बना रही है, अभी हमारे वकीलों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है। और जो संभावनाएँ हैं उस संभावनाओं में माना जा सकता है कि कल भी शायद ही शिक्षक संघ के वकीलों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। इस तरह से ये बहस, लंबी बहस चल सकती है। और जैसा कि माना गया है पिछले दिनों जो TET उत्तर प्रदेश वाले मामले में लगभग एक सप्ताह तक बहस चली थी, उसी तरह का ये प्रवृत्ति ले रहा है और उसी तरह की पुनरावृत्ति हो और लंबा बहस चले, इसलिए बिहार के तमाम TET शिक्षकों को हम अपने संघ की तरफ से अपील करते हैं कि इस निर्णायक लड़ाई में अपना भरपूर आर्थिक सहयोग करें। यह मार्मिक अपील है, क्योंकि इस लड़ाई को अगर मंजिल तक पहुँचाना है तो आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है, और हर तरह से सहयोग करके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुँचाएँ। और जहाँ तक बात है सरकार के कुतर्कों का, तो उसे डट कर मुकाबला किया जाएगा। TET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के तरफ से आज विभा मखीजा एवं प्रशांत भूषण सर दोनों ही लोग लगातार कोर्ट रूम में मौजूद रहे और लगातार नोट बनाते रहे हैं। जैसा कि हमको पता है कि लगभग एक डायरी उन लोगों का कल से आज तक नोट बनाने में फूल हो चुका है, और उसका लगातार हम लोग उन तर्कों का जवाब देंगे तार्किक तरीके से, कानूनी तरीके से, और निश्चित हम लोगों को जीत मिलेगी। किसी आह्वान और अपील के साथ कि आप धैर्य बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें और हर तरह से सहयोग करें। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद मार्कंडे पाठक, प्रदेश अध्यक्ष TET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार।